hello guys, welcome back to my channel. It's not fair. It's not fair that like this is even something that I think anyone has to go through. So hello guys, welcome back to my channel and I hope आप सभी लोग ठीक हो गए। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वैलेंटाइन डे वीक आने वाला है एंड स्टार्ट हो भी चुका है एंड तो अभी वैलेंटाइन डे भी कुछ दिनों में आ जाएगा। तो ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि बहुत लोग सोच रहे होते हैं कि हम कैसे अपने लव्ड वंस को सरप्राइज दें एंड ये वीडियो उस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट है। एंड तो मैंने सोचा मैं अपनी फैमिली को स्टेकेशन के लिए लेके जाऊँ ताज सिटी सेंटर जो कि गुड़गांव में। तो ये वीडियो आप पूरी देखना, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगा कि वहाँ पे रूम कैसा है, एमिनिटीज़ कैसी हैं एंड वहाँ पे सर्विस कैसी है एंड अभी कोविड के चक्कर में क्या क्या उसमें भी डिफरेंस है नॉर्मल रेगुलर वर्किंग में एंड अभी क्या डिफरेंस है। तो आप ये पूरी वीडियो इन्जॉय करिए एंड देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप उनके लिए भी ये सरप्राइज बुक कीजिए एंड उन्हें बिना किसी टाइम वेस्ट करें चलते हैं फिर ताज सिटी सेंटर। चलिए ये है रूम और राइट हैंड साइड पे पहले वॉशरूम आ जाता है। वाओ, तो आपके वॉशरूम है ये शार और इस साइड आ जाता है हमारा बैग रखने के लिए स्पेस और ये है कुछ ऐसा रूम, ये बेड और ये रहा इसका व्यू जो बहुत ही अच्छा है। ये 9th फ्लोर पे है और आप देख सकते हो ये व्यू कितना ही अच्छा है। ये इनका पूल एरिया है बट ये भी बंद है कोविड के चक्कर में। तो ये सारे इनके बोर्डरूम्स हैं और व्यू देखो यहाँ का कितना अच्छा है। वाव, और यहाँ पे आउटसाइड एरिया है, ये अभी हम टेरेस में आ चुके हैं और ये सीटिंग है सारी। वाह, ये एरिया बहुत अच्छा है और ये देख सकते हो ताज की बिल्डिंग। मेरे कैमरे में भी पूरी नहीं आ रही, वेट मैं आपको दिखाता हूँ। और ये सारी ऑफिसेज एरिया हैं। एक्चुअली ये जो साइड में आप देख रहे हो ये इंडिगो का ऑफिस है और ये एरिया आप देख सकते हो।
1,000 years later. तो गाइस वेलकम बैक चैनल पे. और अभी हो रहा है टाइम 8 बज रहे हैं रात के और हम पहुंच गए थे यहाँ पे 3-4 बजे करीब. तो अभी या 7 बजे से यहाँ पे डिनर स्टार्ट हो चुका है और 10 बजे तक है, तो अभी 8 बज रहे हैं. और तो बस अभी ये रात का गेटअप है. पर रात में व्यू दिखाता हूँ. हम डिनर करके तो आ चुके हैं. The next. कॉफी बनाई है, ये पी के मैं आपको इनका जिम एरिया दिखाता हूँ कैसा है. तो वहाँ पे फोटोज वगैरह लेके फिर ब्रेकफास्ट करके हमारा चेकआउट है 1 बजे. और आपको एक बार मैं रेडी होके फिर जिम एरिया दिखाता हूँ. तो गाइस अभी हम जा रहे हैं जिम एरिया इनके देखने के लिए और देखते हैं कैसा है इनका जिम एरिया है. तो गाइस हम सेकंड फ्लोर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे इनका जिम एरिया है ये वाला. गाइज अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है और अभी 8:53 हो रहे हैं. 11 o'clock तक यहाँ पे ब्रेकफास्ट है. तो ये मेरा ब्रेकफास्ट वाला आउटफिट है. चेकआउट कर रहे हैं ताज सिटी सेंटर से. हमारे जो सामान है वो नीचे आ जाएंगे. तो बार बार ताज सिटी.
सो हेलो गाइस, आप मेरी वीडियो के बिल्कुल एंड तक पहुंच चुके हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। एंड आपने देखा होगा मेरा हेयर स्टाइल भी चेंज हो चुका है, क्योंकि मैं घर आते ही मैंने अपना हेयर कट पहले कराया था। एंड फर्स्टली आपने पूरी वीडियो देखी है, एंड मैं आपको 5-6 चीज़ों में मैंने कैटेगराइज करके रखा है ताज को, कि किस किस चीज़ों में मैं उसको क्या स्कोर दूंगा, एंड वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ मैंने फ़ोन पे लिख के रखी थी सारी, पहले फूड आता है, तो मैंने फूड को मैं 10 में से ताज को 9.5 स्कोर करूँगा, क्योंकि कोई कोई चीज़ बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अल्टीमेट थी। एंड सेकंड मैंने रूम सर्विस का रखा है, उसको मैं 9 स्कोर करूँगा। एंड क्लीनिनेस बहुत थी वहाँ पे, बहुत साफ था, कोई भी जगह आपको गंदी नहीं दिखेगी, सब कुछ साफ था, तो मैं उसको 10 स्कोर करूँगा। एंड एम्बियंस एम्बियंस तो वह सुपर, फन टाइम जाने का होता है और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। एंड सैनिटाइजेशन, क्योंकि कोविड चल रहा है तो सैनिटाइजेशन भी मेन चीज़ थी, तो वहाँ पे बहुत सैनिटाइजेशन हो रही थी। आप कुछ भी बैठोगे तो वो साफ़ होगा, आपके रूम चेक इन होने से साफ होगा पहले, एंड आप चेकआउट जब करोगे तो भी रूम साफ होगा। आने जाने वक्त दोनों टाइम रूम सैनिटाइज होते हैं। एंड सबसे लास्ट चीज़ मैंने एक और लिखी हुई थी, वो है स्टाफ का बिहेवियर। तो ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं कि इतना बड़ा होटल है तो उसका स्टाफ कैसा है। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं सब में इन सबको स्टाफ बिहेवियर में मैं 10 दूंगा दूंगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती उनके स्टाफ से, बहुत अच्छा स्टाफ है। एंड मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग एक बार जाएं और वहाँ पे एक स्टेकेशन ट्राई करें कि कैसा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। सो गाइस, बस यही था इस वीडियो में आप लोगों के लिए। मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, क्योंकि वैलेंटाइंस डे आने वाला है एंड बहुत लोग देखते हैं कि क्या हमें ऐसा कुछ क्या स्पेशल गिफ्ट देना चाहिए जो हमें बिल्कुल याद रहे हमेशा, तो ये उनमें से एक चीज़ थी। तो आप बिल्कुल अपनी फैमिली, जिसको भी आप चाहते हैं, आप उनके साथ जा सकते हैं। एंड अगर आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना। एंड अगर आपको अपने दोस्तों को भी भेजना है, तो आप प्लीज़ शेयर करिए मेरी वीडियो। सो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे जल्दी नई वीडियो में। एंड टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।